बेसिक शिक्षा परिषद के तत्वाधान में जनपद को प्रेरक जनपद बनाने के उद्देश्य से चार ब्लॉक के प्रधानाध्यापकों, एआरपी, स्पेशल एजुकेटर, एसआरजी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक के एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तारामंडल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि अपना विद्यालय ही प्रत्येक ग्राम सभा से एक परिवर्तन का बिंदु बनेगा, वहीं से प्रकाश पुंज निकलेगा, जिसके प्रकाश के तेज से आप स्वयं गौरवान्वित होंगे। इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों से यह अपील की कि समुदाय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें, जिससे ऐसी सामुदायिक भावना का विकास हो, जिससे मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प में प्रधानाध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उनके उत्तरदायित्व अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया। इसके लिए जनपद के सभी प्रधानाध्यापकों के लिए जनपद के समस्त ब्लॉकों में 14 सितंबर के बाद से कार्यशाला के आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को प्रेरणा पोर्टल का प्रयोग एवं विद्यालय की सही स्थिति लिखने की अपील की, जिससे कि वस्तु स्थिति का पता चले तथा आवश्यक सहयोग देकर वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम का संयोजन जिला समन्वयक प्रशिक्षक विवेक जायसवाल के द्वारा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह तथा जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा। जब भी आपसे कभी रिपोर्ट मांगा जाता है कि आपने किस मद में कितना पैसा खर्च किया, उसको आप डायरेक्टली कुछ नहीं करना, एक फोटो क्लिक कीजिए, बीआरसी पे भेज दीजिए, रिपोर्टिंग हो गया। वन टाइम एक्सरसाइज है इसमें। आप जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 19-20 लिखा है, आप 20-21, 21-22, 22-23 के ईयर्स को, फाइनेंशियल ईयर्स को मैप करके छोड़ दीजिए। नीचे थोड़े से पॉइंट्स 19 पॉइंट तक है, आप 21-22-23 दो पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। इन केस कभी फर्दर कोई डायरेक्शन मिलता है कि उसमें आपको कोई हेड में पैसा खर्च करना है तो वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर आप खुद से वहाँ पे जो भी फंडिंग जिस मद में खर्च किया जा सकता है उसमें आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एनरोलमेंट के साथ साथ उपस्थिति बढ़ गई है। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फाइनेंस कमीशन का पैसा डिवॉल्व हुआ है। मनरेगा में 521 करोड़ रुपए गया है, यानी करीब, और अगर स्वच्छ भारत मिशन बैकवर्ड रीजन फंड से देखें तो कहीं ज़्यादा, करीब 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि ग्राम पंचायतों में डिवॉल्व हुआ है। ये 95 से डिवॉल्व होता जा रहा है। 2009 से मनरेगा में भी धनराशि जारी है। औसतम आप गिनती कर सकते हैं, 1300 गांव में अगर इतना पैसा जा रहा है तो क्या कितनी बड़ी धनराशि का स्रोत, और ग्राम पंचायत और ग्राम की और शहर की निकायों में भी इतनी धनराशि जा रही है। इसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प पूरी रूपरेखा सुसंगत शासनादेश निर्गत किए गए हैं।
टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटर करने के लिए व्यवस्था दी गई है, जो आप भी स्वयं देख सकते हैं अपने प्रेरणा पोर्टल से। और अभी ये नेवर आफ्टर अपॉर्चुनिटी है कि हम ऑपरेशन कैरेक्टर को जन अभियान के रूप में, जन आंदोलन के रूप में करें। इसमें सिर्फ किसी स्कूल में शौचालयों का निर्माण या किसी स्कूल में ब्लैक बोर्ड की स्थापना इस तक सीमित नहीं रखना है। पूरी सोच बदलनी है कि समुदाय में, ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में स्कूल का महत्व क्या है, स्कूल कैसे केंद्र बिंदु बनेगा समाज परिवर्तन का, प्रदेश के निर्माण का। ये आपको वो परिवर्तन लाने के लिए आवाज बन के उभर के आना है हमारे प्रधानाध्यापकों को, और ये आप ला सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आप अपने आप से पूछें कि कितने बार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में, जीपीडीपी की बैठक में, ग्राम सभाओं की चर्चाओं में, जब गांव में पार्टिसिपेटरी अप्रोच से भ्रमण होता है, ट्रांसैक्ट वॉक होता है, या सोशल मैपिंग होती है, या सोशल ऑडिट होता है, कितनी बार आप खड़े होके उन बच्चों की आवाज बन के ग्राम पंचायत की योजनाओं में स्कूल के बिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, समुदाय सहभागिता की बात करते हैं, वहां पे लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वहां वित्तीय स्रोत सुनिश्चित करने की बात करते हैं। मुझे बहुत सारे प्रधानाध्यापक मिलकर बोलते हैं ऑपरेशन कायाकल्प में हमारी भूमिका क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका तो हमारे विभाग की है, हम सब की है कि हम आवाज उठाएं, दो कदम बढ़ाएं, तभी तो हमारे साथ अन्य जो लोग जुड़ेंगे। इसमें पहल करें, कॉम्पोजिट ग्रांट की धनराशि पिछले 3-4 सालों में निर्धारित किए गए हैं, समय सारणी निर्धारित किए गए हैं। प्राइमरी के लिए तो सब कुछ सही है सर, जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो गया सारा प्रोग्राम तो निश्चित रूप से बेनिफिट होगा सर, और बेनिफिट हो गया है सर। जूनियर हाई स्कूल के लिए सर 6-7-8 के मैपिंग करके उनको पढ़ाना, पर्सनलाइज इंडिविजुअल लर्निंग कराना अति महत्वपूर्ण है, और उसमें ही आपकी कला। आप लोगों को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे 20-25 साल के अनुभव के प्रधानाध्यापक यहाँ बैठे हैं, और आप, मैंने महसूस किया आप लोगों के साथ काम करते करते कि कितना अभिनव प्रयास, आज भी आप क्रिएटिव रिस्क लेते हुए काम कर रहे हैं, ये बहुत ही, इसीलिए इस तंत्र पे इतना विश्वास है। जोश है, कर लेंगे, नहीं छोड़ रहे इसको, ठीक है। तो सितंबर इस साल हमें 7 महीने हैं, अगले साल 12 महीने, हम लोग 19 महीने का टारगेट लेके चलेंगे। सबसे पहले पहले बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। मैं उसमें आपसे वादा चाहता हूं कि मूल्यांकन के दौरान कोई डेटा इंटीग्रिटी में प्रश्न नहीं होना चाहिए। सरल ऐप में चाहे बच्चों का ओरल रीडिंग फ्लुएंसी हो या एनालिटिकल एबिलिटी, कॉम्प्रेंसिव एबिलिटी हो, जो भी डायट से, एससीईआरटी से प्रश्न चिन्हित होते हैं, उसी अनुसार आप मूल्यांकन करें, उसका सही रूप से डेटा आ जाए। कहीं बड़ी बारीक, स्वाभाविक है कि भारी मात्रा में गिरावट आई होगी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कोई सार्वजनिक डेटा नहीं है, ये हम और आपके बीच का डेटा है, हमको सुधार करना है। शिक्षक संकुल की बैठकों में 100% प्रतिभागिता होनी चाहिए। शिक्षक संकुल की बैठकों में जो शेड से हर महीने का डेटा आता है उसके बारे में जरूर चर्चा हो। एसएलडीपी कोर्सेस, एसएलडीपी की गतिविधियां और शिक्षक संकुल की बैठकों में अच्छी चर्चा, अच्छा विश्लेषण, उसकी रिपोर्टिंग। विशेष अभियान है, हम लोग शिक्षकों को प्रेरित कर रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो हम लोगों ने प्रगति की समीक्षा की है। जहाँ कहीं हमारे अध्यापक को सहयोग नहीं मिल रहा है, हम लोग सहयोग करेंगे और उनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, और राज्य परियोजना कार्यालय से भी टीम आई हुई है और उनको एक विशेष ट्रेनिंग दे रही है, जिससे हमारा जनपद बहुत जल्द प्रेरक जनपद बने, और सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में जब वापस जाएँ तो इसी ऊर्जा के साथ, पूरी सहयोग के साथ अपने विद्यालय का विकास करने में पूर्ण क्षमता के साथ लग जाएँ। अभी स्कूल भी नहीं खुले हैं, कुछ बच्चों की संख्या भी कम स्कूलों में आ रही है। स्कूल खुल गए हैं, बस कुछ ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या नाम है, हमारे कुछ स्कूल संचालन में बाधा आ रही है, बाकी स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी सुविधाएँ हैं बच्चों को मिलें और उनके अध्ययन अध्यापन को जिस प्रकार पहले गति मिली थी कोरोना से पहले, हम लोग उसको एक गति के साथ दे सकें और समाज का जो हमारा एक संबंध था, एक रिश्ता था, उसको हम पुनः कायम कर सकें।
प्रधानाध्यापकों के चार ब्लॉक के प्रधानाध्यापकों के साथ कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें जनपद में ऑपरेशन कायाकल्प, जो मिशन प्रेरणा और अन्य योजनाओं में अभी तक की प्रगति के बारे में समीक्षा भी की गई और उनकी क्षमता वृद्धि भी की गई, ताकि क्लासरूम के संचालन में क्लासरूम पद्धतियों के सुधार, जो नई सामग्री आई है उसको कैसे अंगीकृत कराना है और किस तरह की रूपरेखा जो बनी हुई है उसको क्लासरूम में क्रियान्वयन करना है, उसके बारे में क्षमता वृद्धि, और राज्य स्तर से विशेषज्ञ भी आए थे, उनके माध्यम से उनको प्रशिक्षण किया गया है और काफ़ी ऊर्जा के साथ सभी प्रधानाध्यापकों ने उसमें प्रतिभाग किया है और उम्मीद है कि इस तरह की कार्यशालाएं निरंतर होती रहेंगी और हम कोशिश करेंगे कि शिक्षकों की मदद की जाए और हर एक स्कूल में अवस्थापनाओं में भी और शैक्षिक गुणवत्ता में भी लक्ष्यों को हासिल किया जाए शासन के मंशा।